हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की तैयारी कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि चिंतित है, परेशान है कि सर साइंस में मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, उसको कैसे करें। सर साइंस का न्यूमेरिकल का हमसे पोर्शन नहीं बन रहा है, न्यूमेरिकल को सर कैसे सॉल्व करें। इसी पर बहुत सारा स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। देखिए मैं आपको जो प्रोसेस बनाऊंगा और मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं साइंस के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा बुक को फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। कैसे तैयारी करना है साइंस का, जिससे आपकी 25 में से 20 या 22 या 25 नंबर स्कोर कर पाए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि साइंस में आपको 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप साइंस में 25 में से 20 क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 23, 24 और 25 नंबर आप स्कोर कर पाते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए इसका एक प्रोसेस है। साइंस जनरली क्या है, साइंस टोटल आएगा ग्रुप डी में 25 नंबर का। 25 में से जो साइंस रहेगा, साइंस का जो थ्योरी पार्ट रहेगा एमसीक्यू, वो रहेगा आपका 15 क्वेश्चन। और 10 नंबर जो 10 मार्क्स का रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल। साइंस का जो न्यूमेरिकल है वो भी किस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, एकदम बेसिक से बेसिक रहेगा। बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि सर हमसे साइंस का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैं एक प्रोसेस बताता हूँ। न्यूमेरिकल से पहले मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा बुक को फॉलो करना है। देखिए अभी समय काफ़ी कम बचा हुआ है, समय अभी एक मंथ से डेढ़ मंथ के करीब में ग्रुप डी के लिए बचा हुआ है। मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी और रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का मैं क्या करूँगा, आपको मैं PDF दूंगा MCQ किसके बेस्ड पे है, NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। जो भी जब आप नोटिफिकेशन खोलिएगा ग्रुप डी का तो वहाँ पे पूरा क्लियर लिखा गया है कि 10th बेसिस पे CBSE बोर्ड के बेस पे क्वेश्चन NCERT के बेस पे रहेगा। पिछला बार भी जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे भी था एकदम 10th बेसिस पे क्वेश्चन था, परंतु क्वेश्चन का क्या था, थोड़ा उसमें न्यूमेरिकल दे दिया था तो बच्चे घबरा गए थे कि वो कैसे होंगे। मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग के लिए, देखिए मैं क्या करूँगा कि चैप्टर वाइज टोटल साइंस का तीनों मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 25 से 30 चैप्टर है। मैं उसमें से क्या करूँगा, 25 से 30 चैप्टर का मैं कवर करूँगा, PDF दूंगा आपको बेस्ड ऑन NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, वो भी फ्री में PDF दूंगा, कोई कॉस्ट नहीं लूँगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, बहुत स्टूडेंट भी हमको मैसेज करते हैं कि सर PDF के लिए क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं बता दूँ कोई भी मैं उसके लिए पेमेंट नहीं लूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना है, थोड़ा वीडियो को शेयर करना है और आप लाइक कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि हमको उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम में एनर्जी आ सके और भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको 25 से 30 चैप्टर और हर चैप्टर में जो दूंगा उसमें से 100 से 200 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रहेगा। अगर आप थ्योरी कहीं से भी पढ़िए, अगर आप MCQ को आप एक से दो बार रिवीजन कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप में उसको कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। वहाँ से उस PDF के अंदर जो है बेसिक थ्योरी MCQ प्लस न्यूमेरिकल भी जो है, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है रेलवे ग्रुप डी या रेलवे में पूछे जाते हैं उस टाइप के हम वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर दिए हैं, सेलेक्टेड दिए हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें वही क्वेश्चन दिया हुआ है 100 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर का, जो कि आपको रिपीटेड मिलेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और आप क्या कीजिए कि उस वीडियो को भी शेयर कीजिए। आप थोड़ा जितना भी दोस्त है आपके, जो भी फ्रेंड है, आप उससे थोड़ा आप बोलिए कि हाँ यहाँ पे ये चैनल है, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए अभी मैं अभी जो यूट्यूब पे आया हूँ, अभी मैं रिसेंटली आया हूँ यूट्यूब पे, पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था पटना में, साइंस जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। 2018 में मैक्सिमम स्टूडेंट का उस समय सिलेक्शन हुआ था और मैं इस बार भी चाहता हूँ कि जितना से जितना स्टूडेंट हो, मेरा अधिक से अधिक स्टूडेंट इस बार भी सिलेक्शन ले पाए, ताकि वो कहीं बोल पाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी उससे मोटिवेट मिलेगा। वो क्या होगा, वो कहीं बोलेंगे कि हम इस तरह से पढ़े थे तो हमको भी अच्छा लगेगा और मैं भी कहीं बोल पाऊँगा हाँ ये मेरा स्टूडेंट था, इनका सिलेक्शन हुआ है रेलवे में। चलिए अब हमको बुक से रिलेटेड बात करते हैं। जो मैं बता दिया टॉपिक, देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि मैं कौन कौन सा उसको मैं फॉलो करवाऊँगा, कौन कौन सा टॉपिक जो रहेगा, हेडिंग रहेगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं पहले बता देता हूँ, देखिए
सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत धारा से आपको 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। और हाँ, यह पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाइए और फ्री में जो पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, रिविज़न कर लीजिए। चलिए क्या क्या है देखिए। पहला चैप्टर है विद्युत धारा का 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, वह टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आप वहां से उसको जाइए और फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। चुंबक तो मैग्नेटिज्म चैप्टर भी है, उष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग का भी 100 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति और गति दोनों चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल है, पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन अवेलेबल है। न्यूटन की गति के नियम के बेस्ट पे 110 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का 90 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। मात्रक एवं विमाय चैप्टर का 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल का 125 प्लस एमसीक्यू, पीरियोडिक टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए धातु और अधातु जो है 125 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस पर काम चल रहा है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप जब सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिएगा, हमको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, तो मैं भी आपको कंटेंट और प्रोवाइड कर पाऊँगा। मैं इसका आपको कल से परसों, कल दे दूँगा मैं आपको इसका 125 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन धातु और अधातु का, और जितने भी केमिस्ट्री का। लगभग यहाँ पे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं टोटल में, साइंस का 25 से 30 है चैप्टर। मैं आपको क्या करूँगा, धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, पूरा मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, फ्री में दूँगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में एक भ्रम फैलाया हुआ है कि यहाँ पे पेड लेते हैं। मैं एक भी पेड नहीं लूँगा, आपको फ्री में दूँगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम बताते हैं आपको बुक कौन सा फॉलो करना है। देखिए बुक के लिए अभी समय काफ़ी कम है, अगर समय है आपके पास तो आप थ्योरी कैसे पढ़िए। थ्योरी के लिए आप किसी का भी थ्योरी ले लीजिए, लूसेंट का भी ले लीजिए। लूसेंट को आप ले लीजिए, आप उसको कैसे कीजिए, आप अभी उसको रीड आउट कीजिए, जो पॉइंट में आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप उसको हल्का सा डार्क कर लीजिए, एक मार्कर ले लीजिए, मार्कर से आप उसको क्या कीजिए कि हल्का सा उसको पॉइंट को आप थोड़ा डार्क कर लीजिए। कोई भी थ्योरी किसी का भी पढ़िए, आप उसको डार्क, फिर नेक्स्ट लाइन में जाइए वहाँ पर भी आपको लगे डार्क कर लीजिए, ऐसे कर करके आप एक बार में। हाँ, और एक बात, एक बार में पूरा आप मत सोचिए कि हम एक बार में पूरा पढ़ लेंगे, एक टॉपिक पढ़ लिए, एक टॉपिक पढ़िए, थ्योरी आप क्या कीजिए कोई भी बुक से पढ़िए, उसके बाद आप मेरा चैप्टर का जाइए पीडीएफ का, आप वहाँ फिर एमसीक्यू लगा लीजिए, सबसे बेटर यही होगा। और फिजिक्स का जो है उसका वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन फिजिक्स का एक्सप्लेन किया हूँ, और आगे भी आपको क्या करूँगा हर एक साइंस का चैप्टर वीडियो में आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़िए, उसको मार्कर से लेकर टिकआउट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा टिकआउट कीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। एक चैप्टर जब आप थ्योरी पढ़ लिए, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाय चैप्टर का आप जब थ्योरी पढ़ लिए, तो हमारा पीडीएफ निकालिए, पीडीएफ से आप कीजिए पूरा क्वेश्चन को लगा लीजिए, वहाँ से आपका क्या होगा, थ्योरी भी कम्प्लीट हो जाएगा और आपका ये भी कम्प्लीट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपका एमसीक्यू भी आपका कम्प्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए देखिए, मैं नेक्स्ट, ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का मैं वीडियो बना दूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही जनरली रेलवे में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको बना दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर से किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। ऐसे देखिए न्यूमेरिकल के लिए आप घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल जो है जैसे वो बेसिक आता है, जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर का हो गया, वहाँ से सीधा आ जाएगा कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अब सीधा आपको बल का वैल्यू दिया रहेगा, विस्थापन का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बस वैल्यू पुट करना है, उसको निकाल देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है घबरा गए हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप ट्राई कीजिए, अपने अंदर पेशेंस रखिए, सीधा रहेगा एफ इक्वल टू एम ए, सीधा क्या होता है बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका ऊपर आपको डायरेक्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति के नियम से भी आपको सिंपल क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एकदम सिंपल सिंपल। आप बस अपने अंदर पॉजिटिव रहिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव में रहिए, आपका दिमाग में क्या बसा है। बहुत से स्टूडेंट का जो है परेशान है, बोल रहे हैं सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, हम न्यूमेरिकल क्या करें, छोड़ दें। नहीं देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल को ही अगर आप सॉल्व कीजिएगा
तो आप अगर 20 क्वेश्चन में भी 25 में अगर आप 20 क्वेश्चन भी बनाते हैं और ये बेसिक ही न्यूमेरिकल आता है, बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आपका जनरली क्या होगा, नॉर्मलाइज होकर अगर आप 20 भी सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका 23-24 हो जाएगा। 25 में से ऑटोमेटिक आपका 23-24, किसी किसी स्टूडेंट का तो 25 भी आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट से डिस्कस किया, जो स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हमारे उनसे भी मैं ये सब डिस्कस किया हूँ कि इस मैटर पे न्यूमेरिकल पे क्या इसका फ़र्क पड़ता है। तो जनरली इसका यही फ़र्क पड़ता है। आप न्यूमेरिकल से घबराएं नहीं, पेशेंस रखें अपने अंदर। सबसे बड़ा बात है कि अपने अंदर आप पेशेंस रखें। आप क्या हो रहा है, थोड़े समय ही घबरा जा रहे हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जी ज़्यादा परेशानी हो तो आप हमसे बात कर लीजिए, मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारे PDF के लिए। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, घबराएं, मोटिवेट रहिए, ऑनलाइन टेस्ट आप देते रहिए। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ, मैं ही अभी जो मैं क्या कर रहा हूँ, डेली जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, डेली यहाँ पे 300 से 400 कॉल मैसेज आ रहा है, मैं सबके साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो आप देखे होंगे मैं सबके साथ मैं कॉल पे मैसेज पे मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत परेशान है। तो अगर मैं बात नहीं भी कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट डे क्या कर रहा हूँ कि उनको मैं कॉल बैक कर ले रहा हूँ। जो उसमें रियल स्टूडेंट होंगे, हमारे रियल व्यूअर होंगे, वो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं उनको कॉल बैक भी कर रहा हूँ। अब बताइए मैं अपने तरफ से और मैं कितना कर सकूँ, जितना होगा मैं पॉसिबल होगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ज़रा सा भी थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारा भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि साइंस का जो न्यूमेरिकल है, कौन कौन सा चैप्टर से किस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन, आप बस उसी को पढ़ लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।